स्टैगर्ड होता है जब वो एक के ऊपर एक प्लेन उस पर नहीं हो, पैरेलल नहीं हो, और ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, और ये भी इसके पैरेलल है क्योंकि 3D में है ये, तो मैं दिखा नहीं सकता उसको 3D में। समझ आया? तो ये रोटेशन किसके थ्रू है, कैसे रोटेट कर रहा? सिग्मा बॉन्ड के थ्रू रोटेशन कैसे है? सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। समझ आया या नहीं आया? यस सर। आया सर। तो मीथेन के दो ही स्ट्रक्चर बनेंगे जब। अच्छा हाँ, अब ये तो बहुत, इसको कैसे दिखाएं? दो ही दिखाने में इतने फंसी में छूट गए, यदि और बड़े होंगे तो। साइंटिस्ट, दो साइंटिस्ट ने इसके तरीके बताए, दो साइंटिस्ट, एक स्टॉहर्स और एक न्यूमैन, दो साइंटिस्ट ने लिखने के तरीके बताए, एक स्टॉहर्स और एक न्यूमैन। ये स्टैगर्ड और इक्लिप्स वाला स्टॉहर्स का है। न्यूमैन ने कहा यार इतना माथा कच्ची कौन करेगा, ये लो, ये जो आपने तीन दिखाए हो इसको ऐसा दिखा दो, और बाकी जो छुप गया अंदर से और निकल रहा है वो ये है। समझ आया? जब आपको मैंने ऐसा दिखाया था, जब हम पैरेलल लेंगे, जब हम ये पैरेलल लेंगे तो जब एक ऊपर एक पैरेलल होगा तो पीछे वाला छुप जाएगा ना, पीछे वाला हाथ तो छुप दिख नहीं रहा है, छुप गया है, सिर्फ उसके हाइड्रोजन दिख रहे हैं आपको, ठीक है। तो ये ऐसा ही डिजाइन इसने बना दिया, ये छुपा हुआ हाइड्रोजन निकला, उसके पीछे कार्बन, क्या डिजाइन दिख रहा है, ये कार्बन छुपा हुआ है इसके पीछे और सिर्फ हाइड्रोजन दिख रहा। समझ आया? यस सर। ये बनाना आसान है, इसको फिर रोटेट करा दो, 60 डिग्री रोटेट करा दो तो क्या होगा, एक ऊपर एक आ जाएगा, ये अंदर से थोड़ा दिख रहा है छुपा हुआ, ठीक है, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? यस सर। तो स्टैगर्ड कौन सा है? पहला वाला। हाँ यही। और इक्लिप्स कौन सा है? तो कौन सा आसान तरीका है, ये बनाना या ये बनाना? न्यूमैन। न्यूमैन का। न्यूमैन। तो हम लोग आगे सारा न्यूमैन ही पढ़ेंगे, उसको छोड़ देंगे, आगे हम लोग जितना पढ़ेंगे वो न्यूमैन का ही पढ़ेंगे और उसका छोड़ देंगे। समझ आया? उतारो फटाफट। ये बहुत एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है मेडिकल या इंजीनियरिंग और समझ नहीं आता है बच्चों को, किताब का तो बिल्कुल ही समझ नहीं आता है जो बताते हैं वो। आप लोग कोशिश करें इसको समझने का, इसका ग्राफ बनाएंगे, इसके इनफाइनाइट स्ट्रक्चर बनेंगे, इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो आधा डिग्री घुमाओ, एक डिग्री घुमाओ, दो डिग्री घुमाओ, तीन डिग्री घुमाओ, 10 डिग्री घुमाओ, 25 डिग्री घुमाओ, इनफाइनाइट स्ट्रक्चर बनेंगे। लेकिन हमें तो एक हवा हवाई बात नहीं करना है ना कि इनफाइनाइट किसी को चक्कर में फंसा देंगे तो रिजल्ट ही नहीं लगेगा, घूमते रहो, फिजिक्स वाले जैसे इनफाइनाइट में फंसा दिए अब वो रिजल्ट ही नहीं है, मान लो जो कह रहा है वही झूठ फूस मान लो ठग लेगा। तो प्रूफ करने के लिए फिर हमने क्या किया, 60 डिग्री का रोटेशन। तो यदि मेरे पास इथेन है और एक स्टैगर्ड है
और इसको रोटेट कर दिया कितने से 60 डिग्री से, तो क्या बनेगा? इक्लिप्स। एक के ऊपर एक इक्लिप्स, फिर 60 डिग्री कर दिया तो फिर क्या बन जाएगा? स्टैगर। फिर स्टैगर, तो इसका सर आवाज नहीं आ रही आपकी। ठीक है, दो ही स्ट्रक्चर हमें पढ़ने हैं, एक स्टैगर और एक इथेन का। और इसका हमने ग्राफ बनाया, इसका क्या किया हमने ग्राफ बनाया। तो सबसे कम एनर्जी किसका होगा? इस तरह का ग्राफ है, ये एनर्जी किसका है? इक्लिप्स का। और ये एनर्जी किसका है? स्टैगर्ड का। इस ग्राफ में कितना एनर्जी का डिफरेंस है फिर ये स्टैगर्ड का? फिर ये इक्लिप्स, तो ये इक्लिप्स और ये स्टैगर्ड। इसमें 12.3 किलो जूल एनर्जी का डिफरेंस, कितना है? 12.3 किलो जूल एनर्जी का, बहुत कम है ना। तो ये अपने आप इंटरचेंज होता रहता है थोड़ी सी एनर्जी से, इसीलिए ये सूडो आइसोमर्स है। कोई डाउट है? इसमें सिर्फ एनर्जी का रिप्रेजेंटेशन है ग्राफ का, और क्या है ये एनर्जी? एक मिनट, ये स्टेप और ये एनर्जी, ये रोटेशन कर सकते हो, 60 डिग्री पर रोटेशन करोगे तो रोटेशन और एनर्जी। समझ आया? एक ग्राफ बार बार आता है किताब में, होगा आप देखेंगे तो वहां बार बार होगा। आ गया, आगे बनाओ। यस सर। ये इथेन, ये इथेन का था। अब यदि हम प्रोपीन ले तो, यदि हम दो कार्बन था तो इथेन लिया। एंगल से एनर्जी मतलब उस पे कुछ इफेक्ट पड़ता है किससे? वो कंपाउंड्स को मोल करे तो उससे डिफरेंट एंगल अगर बने तो उसका उसपे एनर्जी पर इफेक्ट पड़े, मतलब उसका भाई बनेगा। मैंने अभी कहा इसके इनफाइनाइट स्ट्रक्चर बनेंगे, लेकिन हमें उसमें एनर्जी का बहुत कम डिफरेंस है, तो हमें एक मैक्सिमम और एक मिनिमम को स्टडी करना है। बीच में तो बहुत सारे बनेंगे, मान लो एक डिग्री का किया तुमने, एक डिग्री का रोटेशन, फिर दो डिग्री का रोटेशन, फिर तीन डिग्री का रोटेशन, एंड सो ऑन। मैक्स कितना पर आएगा? मैक्स स्टेबल 60 डिग्री के रोटेशन पे मैक्स आएगा ना। ये मैक्स एनर्जी और ये मिनिमम एनर्जी, इसके बीच में आएगा बाकी सारी। तो इतना चीज हमको नहीं पढ़ना है, बस एक फाइनल पढ़ना है ये और ये। समझ आया? ओके सर। मैंने वही बताया ना कि इसमें तो इनफाइनाइट बनेंगे, तो हमें मोस्ट स्टेबल या लीस्ट स्टेबल और मोस्ट स्टेबल। समझ लो,
अब मैं अगला बना, यदि मैं प्रोपेन लू, अभी हमने क्या लिया, इथेन। अब मैं यदि प्रोपेन लू तो क्या हो, प्रोपेन यही है ना, प्रोपेन। यस सर। यस। अब प्रोपेन को कैसे बनाऊं, CH3 HH ये CH3 मैंने ऊपर लिख दिए तो ये कार्बन, यहां लिख दिए तो ये कार्बन छुप गया, इसमें मैं स्क्वायर बना देता हूं और इसको मैं सर्कल कर देता हूं, तो ये मेरे सर्कल वाले हैं और ये मेरे स्क्वायर वाले हैं। समझ आया? देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बनाना पड़ेगा। ये है 1, 2, 3, तो ये है 1, ये 2 और 3 वाला पीछे छुप गया है। या मैं ऐसा भी बना सकता हूं, ये अब कौन सा छुपा हुआ है, बराबर नहीं, अब कौन सा छुपा है, इसमें कौन सा छुपा था, 3 नंबर, इसमें कौन सा छुपा है, दो नंबर छुपा है इसमें, क्योंकि ये 3 नंबर तो ये रहा और ये 1 नंबर तो ये रहा, कौन सा छुपा है, कौन सा छुपा है, 2 नंबर वाला। जी ये समझना पड़ेगा आप लोगों को, बहुत इसमें दिक्कत होती है, बनाना सीखना पड़ेगा। ये नीचे वाला हमने यहां लगाया और ये हाइड्रोजन, ये जो है ये तीनों ट्रायंगल देता हूं अभी, ओ ट्रायंगल बनाता हूं, तो ये कौन से हैं, समझ आया या नहीं आया, किसी बच्चे को कोई दिक्कत, कैसे बनाते हैं वो समझ आया। यस सर। यस सर। ये हिडन है और ये यहां है ऊपर, आया ये। अब यदि हम बनाएंगे तो यहां एक CH3 हो जाएगा और इसको रोटेट कर देंगे तो ये हो जाएगा, फिर रोटेट कर देंगे तो ये हो जाएगा, देखो यही होगा। यस सर। लेकिन CH3 का स्टेरिक हिंड्रेंस बड़ा होगा तो ये एनर्जी क्या होगा, ये और ज्यादा होगा। जी हाँ, तो ये हो जाएगा 16.4। बनाओ, कितना आया, 16.4। यही सवाल पूछता है, क्या ये बहुत मुश्किल है? नो सर। मना लेंगे आप लोग? यस सर।
आया बच्चों, कोई डाउट है किसी को? नो सर। पिछले बारी क्या पढ़ा था, ये पढ़ा था या नहीं पढ़ा? पढ़े थे सर। सर आज हम लोग समाधान में भी ये पढ़े। आज हम लोग कोचिंग में ये पढ़े थे। अच्छा यही वाला, वाह अच्छी बात है। हाँ। चलो ठीक है, तो जो थोड़ी बहुत कुछ बच गई तो हो जाएगी, मैं आगे करूं मिटा रहा हूँ। हाँ। अब हम करते हैं ब्यूटेन का, तीन कार्बन का तो हो गया था, अब कितने का? चार कार्बन। चार से ज्यादा आता नहीं है पेपर में, चाहे वो आईआईटी हो और चाहे मेडिकल। इसको बनाते हैं एक बन सकता है CH3 CH3 H H H H। यदि मैं दू 1 2 3 4 तो कौन कौन सा छुपा हुआ है, कौन सा छुपा हुआ है? थ्री सर। टू और थ्री छुपा हुआ है। टू थ्री। यस सर। टू या थ्री सर, दोनों में से कोई सर। हाँ, या तो टू या तो थ्री। यदि हम ऊपर से करेंगे ये वन, ये पूरा सिस्टम ये रहा, तो ये वाला रहा टू और ये थ्री छुप गया हिडन, और ये फोर वाला बाहर निकल जाए। आया? यस सर। इसको 60 डिग्री रोटेट करा, 60 डिग्री क्या बनेगा? ये बनेगा? यस सर। इसका क्या नाम है, इसका नाम बताओ भाई, आज पढ़े हो तो। इसका पार्टिकल फिलिप्स। ये स्टैगर्ड होगा। स्टैगर्ड। ये स्टैगर्ड है सर। स्टैगर्ड नहीं, एंटी स्टैगर्ड बहुत सारा होगा फिर। एंटी है ये। अब इसका अभी हम लोग कहेंगे एंटी। चलिए ये पार्टिकल इक्लिप्स। पार्शियल इक्लिप्स समझे? अगला फिर 60 डिग्री रोटेशन, क्या बनेगा? इसका क्या नाम है? ये गॉच है। गॉच। गॉच है सर। और क्यू गॉच और इस क्यू। अगला फिर 60 डिग्री का रोटेशन, क्या आ जाएगा? फुल्ली इक्लिप्स। फुल्ली इक्लिप्स। तो चार तरह का आया हमारे, इसमें कितना आया? फोर। फोर सर। एंटी इक्लिप्स,
गाउच फुलेगिर स्टेबिलिटी बताओ एंटी सर एंटी का सबसे ज्यादा होगा एंटी फिर गॉच फिर पार्शियल इक्लिप्स पार्शियल इक्लिप्स और फिर फुल इक्लिप्स आ गया यस सर यस सर ठीक है अब हम आते हैं क्वेश्चन पर देखो क्या प्रश्न होता है अब क्वेश्चन लिस्ट में पूछा है क्या पूछा है देखो यदि ये कंपाउंड लोगे इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ ये चार तरह के बनेंगे जहां पर सीएच थ्री है वहां OH आ जाएगा जहां पर OH OH इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ क्या यही रहेगा जो हमने लिखा है या कुछ चेंज होगा बताओ भाई अपोजिट हो जाएगा अपोजिट क्यों हो जाएगा सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी इसमें गाउच का हो जाएगा क्यों हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते जी हाँ सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी इसकी गाउच का हो जाएगा क्योंकि इसमें होगा क्या कि यहां पर OH और यहां पर OH ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा क्या समझे जब हम इसको OH और OH क्या हुआ क्या हुआ बॉन्ड बना लिया हाइड्रोजन के साथ तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया तो ऑर्डर क्या हो जाएगा गॉच चेंज हो जाएगा फुल्ली इक्लिप्स पेपर बनाने वाला है वो बहुत ज्यादा चालाक आपको भी चालाक बनना पड़ेगा तो गॉच सबसे ज्यादा फिर फुली इक्लिप्स एंटी फिर इक्लिप्स पार्शियल इक्लिप्स और फिर फुली इक्लिप्स देखिए कोई डाउट है आया Yes, sir. चलो ठीक है अब अगली बार उन्होंने ये क्या किया उसी सवाल में चीज कर अब उन्होंने अगली बार क्या किया एक जगह फ्लोरीन दे दिया और एक जगह OH दे दिया अब क्या होगा वही होगा बच्चे
वही होगा सर, हाइड्रोजन। यस सर वही होगा। ठीक है तो आगे आए, इसमें तो अब डाउट नहीं होगा। नो सर। अब आईआईटी वाले ने कुछ अलग सवाल पूछा। क्या पूछा देखते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ध्यान रखना है, बार बार उस पर क्वेश्चन आ। आईआईटी वाले ने क्या कहा कि यहां पर हम कर देते हैं एक्स और वाई, एक्स एंड वाई विल बी, एक्स और वाई क्या हो सकता है। ए ऑप्शन CH3 एंड CH3, मोर देन वन ऑप्शन है। बी CH3 एंड C2H5, सी एच एंड C2H5, डी C2H5 एंड एच, मोर देन वन ऑप्शन है, वन और मोर देन वन ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए एंड बी। ऑप्शन नंबर ए एंड बी आ रहा है आपको, ए एंड बी। और बाकी बच्चों को क्या आ रहा है। बनाओ भाई, देखो तो ए सी डी, ए सी डी आ रहा है आपको, ए सी डी। और किसी को, ये सर ए बी, ए बी आ रहा है। चलो सर ए बी होगा, ए बी आ रहा है, ए बी, ए बी। अरे नालायको, बना के तो देखो, अंदाजा बता रहे हो सर, ए बी तो हो ही नहीं सकता। देखो बनाना ही नहीं आ रहा, देखो यदि मैं ऐसा बना रहा हूं y और x, यदि कितने कार्बन है, यदि y आ जाए दो कार्बन और x आ जाए तीन कार्बन, तो बीच में एक और एक हिडन है, तो पांच कार्बन है क्या इसमें, कितने कार्बन है, चार। यदि ये वाला कह रहे हो गया, और यदि ये कह रहे हो ये हो गया, तो बीच में भी तो दो कार्बन है, तो टोटल कितने चाहिए, मतलब ये जो स्ट्रक्चर था इसी का बनाना था, तो और किसका, जो चार कार्बन वाला वे होगा, ये इसी कार्बन इसी का स्ट्रक्चर है ना। ओ हाँ, तो वो तो होगा ही नहीं, तब कैसे हो सकता, तो बी तो कट गया पहले ही, बी तो हो ही नहीं सकता। और बताओ, हाँ तो सर ए सी डी हो सकता है ना। ए सी डी हो सकता है, क्योंकि यदि हम इसको CH3 कर देंगे तो ये ऊपर वाला कार्बन, ये हिडन कार्बन और ये नीचे वाला, हो गया। यदि मैं इसको एच कर दूं, ये इस एच बनाऊं, ये एच बनाऊं, तो नीचे वाला C2H5 हो जाए, और ये वाला कार्बन और ये हिडन कार्बन, तो एच एंड C2H5 हो सकता है, एच एंड C2H5 हो सकता है, CH3 एंड CH3 हो सकता है, या उल्टा कर दूं तो ये भी हो सकता है। तो आंसर है ए सी एंड डी, आंसर होगा ए सी एंड डी। आईआईटी वाला और बकवास करता है, क्वेश्चन क्या उल्टा सीधा कर, सही बकवास। अगला सवाल है, अगला सवाल बनाओ आईआईटी का ही। सर टाइम हो गया, ये आया या नहीं आया, आ गया। यस सर टाइम है,
नौ सर 3:30 हो गया तो टाइम नहीं है तो अगले दिन करेंगे या एक सवाल इसमें क्या मैं सवाल दे देता हूँ अगले दिन बना के आना ये है CH3 and CH3 दिया अब उसने क्या किया का नाम चेंज कर दिया CH3 and CH3 दे दिया और ये CH3 और CH3 समझ आया अब XY क्या हो सकता है ऑप्शन यही है अब ऑप्शन जो है यही ऑप्शन है क्या हो सकता है आपको कल अगली क्लास में बताना है अब क्या किया इस स्ट्रक्चर का उसने ऐसा डिजाइन दिया XY क्या हो सकता है और अगले साल उसने क्या किया ये स्ट्रक्चर दे दिया इसी को उल्टा कर दिया अगले साल उसने क्या किया देखिए ये कर दिया CH3 CH3 X और Y HH एक साल उसने ये सवाल पूछा जिसमें अंदर से निकाला CH3 को और एक साल ऊपर से CH3 को दे दिया और ये कह रहा है XY क्या होगा ऑप्शन सेम है बन जाएगा क्या यस सर तो अगली क्लास में पूछेंगे ये तीनों IIT में क्वेश्चन आए हैं आज के लिए ठीक है बच्चों ठीक है बात करता हूँ देखता हूँ उन सबसे क्लास सभी आज लेते हैं तो ठीक नहीं तो मैं सत्यम सबसे करा ठीक है बच्चों